हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर टेक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावा का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, वो है सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। इससे पहले भी मैं सॉर्टिंग की एक टाइप बता चुका हूँ जिसका नाम है बबल सॉर्ट प्रोग्राम। तो आप जाकर के सजेशन में आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी जाकर करके आप बबल सॉर्ट का प्रोग्राम दे सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पर। तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी एक तरीके का, ये भी एक सॉर्टिंग वे है। तो इसमें आपको बता दूँ, जैसे मैं एरे में एक रैंडम नंबर 10 रैंडम नंबर रखा, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले लोवेस्ट को फाइंड करेगा कि 1 to 10 मैंने अगर रखा या 1 to 100 के बीच में मैंने रैंडम नंबर उठाया, तो वो सबसे लोएस्ट नंबर को पहले फाइंड करेगा। उसके बाद वो उसके बाद के अगेंस्ट वाले नंबर में चेक करेगा कि सबसे लोएस्ट कौन सा है। उसके बाद उसी तरीके से ये कॉलम बाय कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 में ऐसे करके भरता चला जाएगा। तो आपको डिस्प्ले पर एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा जिससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम चलिए प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। तो प्रोग्राम पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने फॉर लूप चलाया है, और फॉर लूप में मैंने आई के इंट आई के में 0 रखा, और आई इज़ ग्रेटर देन एरे लेंथ -1 है, और आई पर इंक्रीमेंट है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स मैंने इंट इंडेक्स रखा आई, और फिर मैंने जे का कंडीशन यूज कर दिया है फॉर लूप के अंदर। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इफ़ का कंडीशन यूज। इफ़ के अंदर हम रखेंगे एरे जे को ग्रेटर देन बताएंगे हम एरे इंडेक्स, ठीक है। देन इसे हम ओपन करेंगे फिर, और इसके अंदर फिर से यहाँ पे हम इंडेक्स इक्वल टू जे रखेंगे। ये इंडेक्स जे इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो होता है ये क्या करेगा कि इंडेक्स के अंदर सर्चिंग करेगा कि सबसे लोएस्ट कौन सा है। ये लोएस्ट को सर्चिंग करने के लिए हम यहाँ पर ये कंडीशन यूज किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक, पहले तो हम इसे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे इंट स्मॉलर नंबर, ठीक है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बाद मैं और भी सॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा आपको। और ये रहा एरे इंडेक्स में हम रखेंगे। जिन्होंने सी सी प्लस प्लस में इस प्रकार का प्रोग्राम किया होगा सिलेक्शन शॉर्ट का, वो इसे क्लियरली समझ जाएंगे। और फिर हम रखेंगे एरे आई के अंदर स्मॉलर नंबर को, ठीक है। और मैं तो कहूँगा आप इस वीडियो के साथ साथ आप इस प्रोग्राम को ज़रूर करें, इससे ये भी होगा कि आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल और ए, देन फिर से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना, इंट के बाद मैंने एक एरे का कॉलम बना रखा और एरे वन रखा। इसके अंदर मैं जो रख रहा हूँ एरे के अंदर मैं कुछ रैंडम नंबर रख रहा हूँ, 9 14 3 2, देख रहे हैं आप, ये सब मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं रैंडम जिसे आपको सॉर्टिंग करनी है। ये मैंने नंबर लिया, अब मुझे इसे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब मुझे इसे सॉर्टिंग करनी है, ये सॉर्टिंग से पहले का है। चलो मैं यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे तरीके से कर देता हूँ कि सिस्टआउट डॉट प्रिंट ये हो जाएगा बिफोर सेलेक्शन शॉर्ट, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट आपका, अब हमें यहाँ पे फिर से फॉर का कंडीशन यूज करना है। फॉर में मुझे रखना है इंट आई कॉलम एरे वन, फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पर अब मुझे प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एलन मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये जो जो डिजिट्स हैं वो आपके लाइन चेंज कर लेंगे। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत थी नहीं, बट मैं बता दिया। यहाँ आई के पहले मैंने कॉमा लगा दिया है, जो लोग नोटिस करते होंगे अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम को फास्टली कर लेंगे। अब आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन, सेम कंडीशन जैसे कि आफ्टर के लिए मैंने यूज किया था उसी तरीके से अब हम सॉरी बिफोर के लिए यूज किया था, अब हम आफ्टर के लिए यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके कर आराम से प्रोग्राम को देख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा आप जरूर करेंगे इस प्रोग्राम को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलना हमें सी एम डी पे जा कर करके हम इसे करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमें इसका फाइल नेम डालना होगा सिलेक्शन सॉर्ट डॉट जावा,
यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब हम करेंगे जावा सेलेक्शन, सेलेक्शन सॉर्ट, एंटर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिफोर सेलेक्शन सॉर्ट 9, 14, 3, 2, 43, 11, 58, 22 था, बट आफ्टर सेलेक्शन सॉर्ट क्या पाया गया है, 2, 3, 9, 11, 14, 22, 43, 58। तो ये क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने एरे के अंदर डाला, तो इसमें सबसे पहले इसने शॉर्टेस्ट वाला फाइंड किया 2, देन उसके बाद फिर एरे में फाइंड किया 3, उसी के तरीके से ये रिप्लेस कर करके 1 में रखा पहले 2 को, फिर सेकेंड में 3 को रखा, उसके बाद फिर रिप्लेस कर करके यहाँ पर चेक किया कि कौन सा है 9, तो फिर यहाँ पर रखा 9 को। तो ये क्या करता है कि एक तरीके से इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही सॉर्टिंग करता है, बट ये लोएस्ट पार्टिकल्स को उठा कर 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 करके सबसे चेक करता है कि अगला वाला उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, ऐसे स्वैपिंग कर 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 करके ये प्रोग्राम सिलेक्शन सॉर्ट का तैयार होता है। तो चलिए, अपनों जो आप लोगों को जिस जितने को समझ में आया, प्लीज़ लाइक।